Bismillahirrahmanirrahim, students. This is physics class by Sir Ammar. हम इस क्लास में फेडरल बोर्ड के फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर फेडरल. और अकॉर्डिंग टू सेकेंड ईयर फेडरल सिलेबस, आपके पास यूनिट 11 यानी चैप्टर 11 आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है. लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने कुछ लॉज भी पढ़े, सही है, कुछ नई चीजें पढ़ी. लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो केसेस ऑफ फ्लक्स का था, ओके. और बिल्कुल आखिरी टॉपिक हमने गॉसियन सरफेसेस को देखा था. दिस टाइम हम अब पढ़ने जा रहे हैं गॉसेस लॉ. गॉसियन सरफेस बेसिकली गॉसेस की वजह से ही, गॉस ही की वजह से नाम रखा गया है, आफ्टर द लॉ ऑफ गॉस. व्हाट इज गॉसेस लॉ? By the way, this is very famous law in the study of flux. Okay, so this law in fact shows a relation between total electric flux through a Gaussian surface and total charge enclosed by that surface. यानी आप बताएंगे, पता चलेगा आपको कि ये basically सिर्फ इसीलिए है कि आपके पास surface के अंदर charges कितने हैं और उन चार्जेस की वजह से फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है सरफेस पे, सही? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल फ्लक्स, अब ये स्टेटमेंट आ रही है आपके पास, ओके. ऊपर वाली ये लाइंस आपको मर्जी है, आप लिखना चाहे ना लिखना चाहे, स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है. तो दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 1/ε0 एंड total amount of charge enclosed by that surface. क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो हमेशा मल्टीपल होगा किसका? 1/ε0 का, सही? तो ये आपके पास गॉसियन लॉ है. ये 1/ε0 है क्या या एप्साइलॉन है क्या? भाई एप्साइलॉन आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो हमने कूलम्स लॉ के अंदर डिस्कस की थी, याद है आपको शायद. सो ये बड़ी आसान सी आपके पास स्टेटमेंट है. तो गॉसेस लॉ भी आपके पास सिर्फ दो ही चीजों पे काम करेगा, एरिया वेक्टर एंड फील्ड. तो स्टेटमेंट के बाद हमें गॉसेस लॉ को प्रूफ भी करना है. कैसे प्रूफ करें? ऑब्वियसली हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रूफ होगा इसका. तो क्या न्यूमेरिकल प्रूफ है इसका? कंसीडर आपके पास एक स्फीयर है और सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है पर्टिकुलर रेडियस का. मैंने उस स्फीयर के ऊपर वही फिर पैचेस बनाए और एक एरिया वेक्टर को मैं इसमें डिस्कस करूंगा. लास्ट जो बिल्कुल टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ओके, तो उसको आप याद रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ चीजें मिलाते जाएंगे. टू वेरीफाई द स्टेटमेंट, सही है, मुझे करना क्या है, मैं कंसिडर करूंगा देयर विल बी नंबर ऑफ चार्जेस इन साइड द स्फीयर. ओके, ऑल दो मैंने सिर्फ एक ही चार्ज दिखाया, ओके, काम हमें असल में एक ही चार्ज का है. शो, अब यानी कि आपको जो करना है वो करना है कि आपके पास कई सारे चार्जेस हैं, यानी ये जो बॉल है ये स्फीयर है ये फिल हुआ हुआ है चार्जेस से. ओके, लेट अज्यूम चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू बाय नेग्लेक्टिंग रेस्ट ऑफ अदर्स. किसी भी एक चार्ज क्यू को कंसिडर कर लें, बाकियों को नेग्लेक्ट कर दें कि अभी हम उसको पढ़ नहीं रहे. Now, draw an imaginary sphere around the charge, जो कि हमने यहाँ पे draw किया हुआ है, okay? और इस तरह से कि आपके पास वो उसके exactly center में आ जाए. The electric flux through the imaginary sphere due to charge Q1 will be Q1 over epsilon naught as the total number of electric line of forces appearing through the imaginary surface or sphere and Gaussian surface. Remain same. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हर चार्ज, जो जो चार्ज पिक करेंगे ना, हर चार्ज के अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ कर दें, विच इज इमेजिनरी स्फीयर, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, और उस स्फीयर से उस स्फीयर के ऊपर उस इनक्लोज चार्ज का आप फ्लक्स मालूम करेंगे. बात समझ में आती है? यानी दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं, एक स्फीयर है
इसके अंदर एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उसमें से आप एक को पिक कर लें, सही, और अज्यूम करें कि वो जो फील्ड थी आपके पास, सही, या वो आपके पास जो फ्लक्स, आपके पास जो स्फीयर था वो सिर्फ इसी चार्ज के अराउंड है, बाकी चार्जेस आप नेग्लेक्ट कर दें। अब अगर वो Q1 है तो बेटा उसके वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा उस स्फीयर के अराउंड वो Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर मैं Qn ले रहा हूँ तो वो Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम को ही डिस्कस करना है, फ्री स्पेस को ही डिस्कस करना है। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कहते हैं, अगेन वो कूलम्स लॉ के अंदर हमने इसको डिस्कस करा है। नाउ द फ्लक्स थ्रू द गॉशियन सरफेस फाइ वन ड्यू टू चार्ज क्यू वन विल बी इक्वल टू क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमें पता है, सही, मतलब फाइ तो आपके पास फ्लक्स है क्योंकि क्यू के क्यू वन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो हमने फाइ में भी वन लगा दिया यहाँ पे। इन द सेम फैशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेम गॉशियन सरफेस ड्यू टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू टू क्यू थ्री एंड सो ऑन क्यू एन विल बी इक्वल, सबके लिए आपके पास फ्लक्स बनता रहेगा सेम, सही, तो कुछ इस तरह की शक्ल आपके पास आ जाएगी फ्लक्स की। तो क्यू टू ओवर एप्सिलॉन नॉट इज फाइ टू, क्यू थ्री ओवर एप्सिलॉन नॉट इज फाइ थ्री एंड क्यू एन ओवर एप्सिलॉन नॉट इज फाइ एन रिस्पेक्टिवली। तो ये सारे के सारे आपने फ्लक्स सेम ही कंडीशन को कंसीडर करके निकाले, ओके। नाउ अब मुझे सरफेस के लिए पूरा फ्लक्स चाहिए, क्योंकि अब मैंने इंडिविजुअली काम करा है, मुझे अब टोटली फ्लक्स को मालूम करना है। तो टोटल का मतलब आप सम करने को तरजीह देंगे, जो लास्ट क्लास में हमने किया है एक्चुअली। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉशियन सरफेस इज ड्यू टू क्यू वन ड्यू टू क्यू टू ड्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू एन एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो जब इतने सारे चार्जेस हैं तो फ्लक्स भी तो बहुत सारे होंगे, सबको ऐड कर दीजिए, मैंने कर दिया ऐड। फाइ क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है फाइ वन, इस तरीके से क्यू एन फाइ एन क्यू एन ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, सबको ऐड कर दिया। एक चीज कॉमन नजर आ रही थी सबको यहाँ पे, विच इज एप्सिलॉन नॉट, कॉमन थी बाहर निकाल ली हमने, जो अनकॉमन है वो अंदर ही है। तो चार्ज को सम अप करके आप एक बड़े चार्ज का नाम दे दें, दस चार्जेस को ऐड करा एक बड़ा चार्ज बन गया, तो हम इसको एक नाम दे देंगे या एक शक्ल दे देंगे अलग सी। तो ये आपके पास समीशन क्यू है, ओके, यानी मैंने सम किया है और एक नई इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, यानी आपने जो क्यू है उसको कैपिटल क्यू में कन्वर्ट कर दिया, वजह टोटल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज ऑफ द स्फीयर। नाउ द इक्वेशन विल बिकम एप्सिलॉन phi is equal to q over epsilon naught, okay, capital q over epsilon naught. So this equation shows the Gaussian equation of electric flux. ये है आपके पास Gaussian flux. Okay. तो statement से आपके पास verify हो रहा है Gaussian in electrostatics. सही है भाई, कुछ एप्लीकेशन है, बट एप्लीकेशन के अंदर कुछ केसेस को हमें डिस्कस करना है। कुल मिला के केसेस तीन है। केस वन में आपके पास हमें बेसिकली बताना क्या है, लोकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ चार्जेस, यानी अगर आपने कोई कंडक्टर लिया हुआ है तो उसके मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्जेस कहाँ पे मौजूद होंगे या कहाँ पे मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास कंडक्टर है, ये आपके पास एक सॉलिड कंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिलेंडर लिया था सॉलिड और उसको मैंने यहाँ पे स्लाइस कर दिया, तो उसकी एक सामने की सरफेस ऐसी नजर आएगी, क्योंकि ये चार्ज्ड है तो आपको चारों तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा, इनसाइड इसके कोई चार्ज नहीं है और होता भी नहीं है, सही। चार्ज जब भी करते हैं वो हमेशा सरफेस पे आता है। जस्ट सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ऑलवेज जीरो एट ऑल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है, चार्ज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर और इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है फील्ड का। डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो कुछ ना कुछ मोशन होती रहती, ये तो सारे के सारे पॉजिटिव है, तो देयर विल बी नो चार्ज नो फील्ड इन साइड द कंडक्टर। तो
शुरू करते हैं गॉशियन सरफेस से, तो मैं एक इमेजिनरी गॉशियन सरफेस ड्रॉ करूंगा इनसाइड द दिस स्फीयर कह लीजिए, इनसाइड द सर्किल कह लीजिए, ओके। तो ये आपके पास सरफेस है बेसिकली, यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी गॉशियन सरफेस बनाया। क्योंकि कंडक्टर के अंदर ही फील्ड मौजूद नहीं है, तो क्या गॉशियन सरफेस के अंदर कोई फील्ड मौजूद होगी? नहीं। तो ई ऑल्सो जीरो एवरीवेयर ओके इन द गॉशियन सरफेस, ठीक, क्योंकि नेट चार्ज जीरो है आपका। एंड इफ ई इज जीरो ऑन गॉशियन सरफेस, देन द नेट चार्ज ऑन क्यू ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट पी इनसाइड द सरफेस इज ऑल्सो जीरो। यानी सपोज करें कि मैंने एक पॉइंट भी रख दिया है अंदर, तो कोई भी पॉइंट रखूं, कहीं पे भी रखूं इस गॉशियन सरफेस के अंदर, तो आपको उसके ऊपर भी कोई फील्ड फील नहीं होगी। क्यों होगी भाई, जब फील्ड मौजूद ही नहीं है। ये रहा वो पॉइंट पी, ओके, तो आप इस पॉइंट पी को कहीं पे भी मूव करा लें, इसको कोई फील्ड फील नहीं होगी। तो ये इजिली मूव कर सकता है इनसाइड द कंडक्टर। नाउ बात करते हैं, अच्छा ये नीचे एक छोटी सी इमेज है, ये आपके पास आर्बिट्री शेप के लिए भी है, जरूरी नहीं है कंडक्टर गोल ही हो, ठीक है, आड़े टेढ़े शक्ल के भी हो सकते हैं। तो ये नीचे आप, मैंने आर्बिट्री शक्ल के कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को दिखाया है, काम दोनों में सेम हो रहा है, ओके। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में आपके पास जो कंडक्टर है वो बेसिकली हॉलो कंडक्टर है, यानी सेंटर में कुछ भी नहीं है, एयर है। तो हॉलो कंडक्टर में ऑब्वियसली अब ये हॉलो हो गया, तो सेंटर में तो कोई चार्ज है, हो ही नहीं सकता। तो यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं है, तो नेट चार्ज इज जीरो। सो दिस कैविटी इनसाइड द कंडक्टर इज नाउ बिहेव्स एज अ गॉशियन सरफेस। तो अब मुझे अलग से बनाने की जरूरत नहीं, ये खुद ही एक गॉशियन सरफेस है, ठीक है भाई। तो नेट चार्ज इनसाइड द फील्ड इज सरफेस इज जीरो। अगेन द ऑल चार्ज इज डिपॉजिट टू आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि अंदर कोई आपके पास फील्ड नहीं है, तो ये सारे के सारे चार्ज बाहर ही रहेंगे या बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, सेंटर में कोई भी नहीं आएगा। एंड एनी आर्बिट्री पॉइंट डज नॉट इफेक्ट ड्यू टू जीरो फील्ड। तो इसमें अगेन मैंने एक पॉइंट रखा, उसको कोई टेंशन ही नहीं, अंदर मजे से घूम रहा है, ओके। अब बात करते हैं अगेन कंडक्टर की, सही है, केस थ्री है हमारे पास। अगेन एक हॉलो कंडक्टर की बात करते हैं, बट दिस टाइम मैंने क्या किया, सेंटर में चार्ज रख दिया। अगेन वही गॉशियन सरफेस है, अगेन वही हॉलो सिलेंडर है, अगेन आपके पास सेंटर में जीरो फील्ड है। दिस टाइम मैंने चार्ज प्लेस कर दिया, तो आपको क्या लगता है इस चार्ज की वजह से क्या होगा? तो इस चार्ज की वजह से इनसाइड द सरफेस आपके पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, इनसाइड द सरफेसेस बहुत सारे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे इसको अपोज करने के लिए, सही। तो इफ वी अगेन अप्लाई गॉसियन लॉ विद गॉशियन सरफेस, द नेट चार्ज इनक्लोज हैज टू बी जीरो बिकॉज देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ओके। तो नेट चार्ज तो जीरो है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ चार्ज तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने जो सरफेस बनाई है वो आपके पास इंसुलेटर है, बाहर की तरफ चार्ज का कोई अमल दखल नहीं है, ओके। सो एनी आर्बिट्री पॉइंट डज नॉट इफेक्ट ड्यू टू जीरो फील्ड। बट इनिशियली जब मैं एक चार्ज को प्लेस करूंगा, तो कंडक्टर वॉज अनचेंज, बट एज वी पुट चार्ज क्यू इन साइड एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज, देन नेगेटिव चार्ज विल बी जनरेटेड इन साइड द कैविटी। जब मैं चार्ज को प्लेस कर चुका हूंगा, तो फिर आपके पास कैविटी में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, अपोजिट चार्ज खुद ब खुद जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसुलेटर है, सही है, हमने प्रॉपरली आइसोलेटेड किया हुआ है, तो ना नेगेटिव चार्ज बाहर जा सकता है ना पॉजिटिव अंदर आ सकता है, अगेन कोई ट्रांसफर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी फील्ड जीरो है। तो इस केस से भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि अगर चार्ज हम रख देते हैं तो इन साइड जो आपके पास सरफेस है उस पर उसका अपोजिट चार्ज आ जाता है। अब ये तीन केसेस तो हैं, लेकिन ये क्या इंपॉर्टेंट सकते हैं आपकी लाइफ में, या आप कहाँ इसको देख सकते हैं? तो इसकी एक एग्जाम्पल आपके बुक में भी मौजूद है, सही है, केपी के फेडरल बोर्ड की बुक में।
आपने एयरबस देखी होगी, सही है, मैं एयरप्लेन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों पॉसिबल है, ऐसा क्यों नहीं होता कि जब एयरबस बुरे मौसम में जहाँ पे आपके पास थंडर स्टॉर्म आया हुआ है और वहां से गुजर जाए, पायलट को कोई टेंशन ही नहीं होती और वो वहां से प्लेन को गुजार के ले जाता है? क्यों? बिकॉज प्लेन जो आपके पास होती है वो आसानी से ट्रेवल कर सकती है किसी भी पैनिक के। वजह क्या है? उसके अंदर भी एक कैविटी बनी हुई होती है जहां पे पैसेंजर बैठे होते हैं और प्लेन बिहेव कर रहा होता है एक हॉलो सिलेंडर की तरह, ओके, जस्ट लाइक दिस। तो एक हॉलो सिलेंडर है, सेंटर में इंसान बैठे हैं, ओके, बाहर कुछ भी चल रहा है, बिजली गिर गई है, शायद जहाज को थोड़ा बहुत नुकसान हो लेकिन अंदर पैसेंजर को नुकसान नहीं होगा, ओके, अंदर पैसेंजर्स को नुकसान नहीं होगा। वजह क्या है? ये वही कैविटी है जहां पे चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो पॉसिबली इसको उसी तरह से बनाया जाता है अंदर से प्रॉपरली आइसोलेटेड, ओके, कि अगर बाहर थंडर स्टॉर्म से भी जहाज गुजर जाए तो अंदर कोई इफेक्ट ना पहुंचे इंस्ट्रूमेंट्स को भी और लोगों को भी, सही है। तो काफी हद तक इसका ख्याल रखा जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छी डेली लाइफ की, डेली रूटीन की, ओके, जो आप समझ सकते हैं कि हमने ये तीन केसेस पढ़े कहाँ पे यूज हो सकते हैं या हो रहे हैं, सही है? तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट वीडियो पे आप लेक्चर देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।